nothing to wear. It is, I think, one of the biggest problems of my life. कि मेरे पास कुछ पहनने को नहीं होता on the right occasion at the right time. जब मुझे अच्छी चीज़ें मिल रही होती है तब मैं खरीदती नहीं हूँ. And उस time पे मेरे पास कोई जगह नहीं होती तो मैं वो खरीदती नहीं हूँ. And जब मौका होता है तब मेरे पास चीज़ें नहीं होती. तो आई एम गोइंग, अभी मैं जा रही हूँ शानवी को स्कूल से पिक करने, आके उसको घर ड्रॉप करूँगी. देन यू एंड मी आर गोइंग शॉपिंग. प्लीज़ मेरी हेल्प करा देना कि मैं क्या खरीदूँ, क्योंकि बर्थडे आ रहा है यार. एंड ऑल ऑफ माई बर्थडे प्लान्स डिपेंड अपॉन कि मुझे पहनने को क्या मिल रहा है. बिकॉज कोई अच्छी सी ड्रेस मिल जाएगी, कोई जो मुझे लगे कि ओ आई वॉन्ट शो दिस ऑफ, तो हम कहीं अच्छी सी जगह जाएंगे, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट जाएंगे. अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम घर पे पजामाज में रह के मनाने वाले मेरा बर्थडे. तो अ लॉट ऑफ माई बर्थडे प्लान्स डिपेंड अपॉन कि मुझे आज क्या मिलता है मार्केट में. आज थर्सडे है, मेरा बर्थडे है संडे को, तो फिंगर्स क्रॉस्ड होपफुली आई गेट समथिंग गुड. ईशानवी को पिक करके ड्रॉप कर दिया है, अब हम चल रहे हैं साउथ एक्स मार्केट एंड करेंगे खूब सारी शॉपिंग होपफुली. हम जाएंगे मार्क्स एंड स्पेंसर्स एंड वेस्ट साइड, दोनों ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाता है. एंड मार्क्स एंड स्पेंसर्स में सॉलिड डिस्काउंट है, तो आई सॉ कि फ्लैट 50% ऑफ चल रहा था, विच आई एम होपिंग खत्म ना हो गया हो क्योंकि वो 15th अगस्त तक ना हो. बट उसके ऊपर से मुझे बर्थडे डिस्काउंट भी मिलता है विच इज़ 20% ऑन द फाइनल बिल. सो फिंगर्स क्रॉस अच्छा सी मुझे लाइक सॉलिड वाला डिस्काउंट मिल जाए एंड अच्छी सी ड्रेस मिल जाए. लेट्स प्रे टू द गॉड्स ऑफ फैशन. इंडिया का गॉड ऑफ फैशन कौन है? कोई तो होगा, इतने तो हमारे गॉड्स हैं. हमारे पानी के गॉड है, खाने का गॉड है, सभी कपड़ों के गॉड कौन है या गॉडेस कौन है, किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि आई नीड टू प्रे टू हर. सबसे पहले हम जा रहे हैं वेस्ट साइड, क्योंकि वेस्ट साइड पहले पड़ता है. हम लोग जा रहे हैं साउथ एक्स मार्केट, साउथ एक्स पार्ट टू मार्केट. वहाँ पे बहुत बड़ा सा वेस्ट साइड है, बहुत बड़ा सा मार्क्स एंड स्पेंसर्स है, पैंटलूनस है, तो इन तीनों शॉप्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है. एंड वेस्ट साइड मुझे यहाँ का काफ़ी पसंद है, तो वी आर गोइंग टू गो चेक दैट आउट. उसमें भी सेल लगी हुई थी, मैंने बाहर बड़े बड़े से बैनर्स देखे, सो आई गॉट एक्साइटेड. फिर बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट करके मैं घुसी ट्रायल रूम में. आई थिंक कम से कम 10-15 चीज़ें होंगी. फर्स्ट आई ट्राइड दिस डेनिम ड्रेस, बट मुझे लग रहा है ये पहन के ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ. इसकी फिटिंग अच्छी नहीं आई है एंड आई डोंट लाइक द लेंथ ऑफ इट ऑल्सो. आई जस्ट फील दिस डज नॉट लुक नाइस ऑन मी. द डेनिम ड्रेस वॉज 1,999, विच इज बेसिकली 2,000. एंड ये था जिया कर्व से, द साइज दैट आई वेयर देयर इज XL. तो प्राइसिंग एंड ऑल के हिसाब से मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी. नेक्स्ट आई ट्राइड दिस ऑन, ये ड्रेस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, काफ़ी अच्छी थी पहनने में एंड फिटिंग भी मुझे इसकी सही लगी. इस टाइप का प्रिंट मैं थोड़ा कम ही पहनती हूँ, प्रेफर नहीं करती पहनना, बट आई फेल दैट पहनने के बाद द ड्रेस लुक्ड सुपर कम्फी. एंड कभी कभी होता है ना, सुबह सुबह आप जल्दी में होते हो एंड यू जस्ट वॉन्ट टू पुट समथिंग ऑन दैट लुक्स नाइस एंड डिसेंट विदाउट वरिंग टू मच अबाउट एनीथिंग. तो ये उस टाइप की ड्रेस है. मुझे ये ज़रूर लगा कि हाँ इसके वेस्ट में एक लाइन थी जो थोड़ी सी ऑफ प्लेस्ड थी फ्रॉम माय नेचुरल वेस्ट, बट इट हैड पॉकेट्स. तो किसी भी ड्रेस में पॉकेट होती है यार, वो एक हमेशा एडिशनल बेनिफिट होता है. तो ये तो मैं डेफिनेटली लेने वाली हूँ. दिस वॉज अगेन फॉर जिया कर्व, शायद सारी जिया कर्व की है एंड ये 1800 की थी. नेक्स्ट आई ट्राइड ऑन दिस नेवी ब्लू ड्रेस, जो इसकी फिटिंग ऑनेस्टली आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट. मैंने ले तो ली बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ठीक लग रही है या नहीं. कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ठीक लग रही है या नहीं. इट्स नाइस, इजी ब्रीजी. इससे एक साइज छोटा लेती तो वो ज़्यादा बॉडी हगिंग हो जाती है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक. दिस इज़ गुड फॉर डेज जिस दिन ब्लोटिंग लग रही हो, तो उस दिन लगे कि हाँ लाइक यू आर वेयरिंग अ नाइस इजी ब्रीजी ड्रेस. दिस वॉज इन द साइज XXL एंड ये थी 1300 की. देन आई ट्राइड ऑन दिस ब्राउन शर्ट. ना मुझे ना शर्ट्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है, बट somehow मेरे पास शर्ट्स है नहीं ज़्यादा बिकॉज आई डोंट एंड अप बाइंग दैम. मुझे लगता है मैं कहाँ पहनूंगी. अच्छी तो मुझे लग रही थी बट अगेन आई वॉज लाइक पता नहीं पहनूंगी नहीं पहनूंगी, तो मैंने ये खरीदी नहीं. आई ऑल्सो ट्राइड ऑन दीज पैंट्स विच आई डिड नॉट लाइक एट ऑल. उनकी फिटिंग बहुत ही ऐसे पजामा टाइप फिटिंग थी, मज़ा नहीं आया वो पहन के. शर्ट का प्लीज़ मुझे बताना, मैंने खरीदी नहीं है. अगर आप बोलोगे कि नहीं अच्छी लग रही है देन आई विल गो अहेड एंड बाय इट, जीन्स के साथ पहन लूँगी. आई वॉज रियली होपिंग दैट द शर्ट एंड पैंट कॉम्बो वुड वर्क ताकि मैं ले सकूँ. जो शर्ट थी वो 1500 की थी और ये भी जिया कर्व की XL साइज था. नेक्स्ट आई एम वेयरिंग दिस टी शर्ट जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी. अगेन आई एम जस्ट वेयरिंग इट विद दीज पैंट्स बट जीन्स के साथ पहनूंगी. मुझे इसका कलर काफ़ी अच्छा लगा इस वजह से ये मैंने चूज़ की थी. बाकी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं लगा, रिप्ड है क्यूल है, पैंट तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी. टी शर्ट हाउएवर आई फील मुझे ले लेनी चाहिए. लेट मी सी द प्राइस, फिर देखते हैं. कभी कभी होता है ना प्राइस देख के आपको चीज़ लगता है कि ले लेनी चाहिए, तो ये काफ़ी सस्ती निकली, 500 रुपये की थी यार, इतने में तो चल जाता है.
ये वाला टेक्सचर जो है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी टॉप हैवी है, तो पहन के लाइक मैं पियर शेप्ड हूँ तो ऑब्वियसली मेरा बॉटम एरिया ज़्यादा हैवी ऑलरेडी है, बट ये शर्ट से मेरा ऊपर का एरिया भी ज़्यादा हैवी लग रहा था, सो आई डिड नॉट लाइक इट। ये डबल एक्सएल में थी और 1500 की थी, सो आई लेफ्ट इट अलोन। आई लाइक द कलर दो। उसके बाद मैंने इंडियन वे में काफ़ी कुछ ट्राई किया। ये इंडियन वे में कुर्ती सी ट्राई कर रही थी मैं जीन्स के साथ पहनने के लिए। काफ़ी टाइम से कुर्ती जीन्स नहीं पहनी है मैंने, बट मुझे इसकी फिटिंग समझ में नहीं आई थी। आई फील मतलब थोड़ा फूला फूला सा लग रही है, ज़्यादा मज़ा आया नहीं। इट्स कम्फर्टेबल जिस दिन ब्लोटिंग हो उस दिन पहनने के लिए, बट नॉर्मल डेज पर जस्ट मेक्स मी लुक बिगर देन आई एम। बैठ के भी देख रही थी, बैठ के देखो पेट वेट नहीं दिखता है, तो इसलिए मुझे अच्छी लग रही थी, बट इसकी जो प्लेसमेंट थी वो सही नहीं लगी मुझे, द एम्पायर लाइन की प्लेसमेंट। नेक्स्ट आई ट्राइड ऑन दीज कुर्तीज जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये डीजा करके एक ब्रांड है और 999 की मिल रही थी सिर्फ, काफ़ी अच्छी कुर्ती थी एवरी डे वेयर के लिए। एंड उसकी ब्रांड की मैंने और भी ज़्यादा कुर्तीज ट्राई की एंड आई रियली रियली लाइक दैम। हावेवर वो सारी मेरी साइजेस में नहीं आ रही थी। अभी मैं डबल एक्सेल ट्राई कर रही थी, बट एक मैंने ट्राई करी जो एक्सेल थी वो मुझे लगा ज़्यादा बेटर फिटिंग है। दिस वन इज़ एक्सेल, आई फेल्ट दिस वॉज फिटिंग मी मच बेटर देन द अर्लियर टू, बट एक्सेल साइज में मेरे साइज़ की ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। एंड जो सेल प्राइजेस थे ना 500 रुपये की मिल रही थी, 450 की मिल रही थी एक ना। ये वाली कुर्ती भी मैंने ट्राई की थी, मैं विदाउट स्लीव नहीं पहनती हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर वो मेरे ऊपर ठीक लग रहा है या नहीं, बट मैं कभी भी नहीं पहनती हूँ एंड आई डोंट नो, आई जस्ट फील वेरी ऑकवर्ड। बट समहाउ मुझे लगा कि शायद इट लुक्स गुड, क्योंकि मैं ऐसे स्टाइलिस्ट एंड ऑल के जब इंस्टाग्राम देखती हूँ तो वो बोलते हैं अगर यू नो यू आर प्योर शेप तो आपको अपनी शोल्डर शो ऑफ करना चाहिए बिकॉज दैट्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, बट आई डोंट डू इट। नेक्स्ट मैं गई मार्क्स एंड स्पेंसर्स, क्या खरीदा है क्या नहीं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, बट फिलहाल तो मार्क्स एंड स्पेंसर में ट्राई कर रही हूँ ये ड्रेस विच आई फील लुक वेरी प्रिटी ऑन मी, बट थोड़ा सा साइज इसका मुझे लगा कि ज़्यादा बड़ा है, तो उसको एक छोटे साइज में ट्राई करूँगी आगे। उसके अलावा मैंने ट्राई की एक शर्ट और स्कर्ट का कॉम्बो, ये मुझे समझ में नहीं आया कैसा लग रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस काइंड ऑफ स्टाइल लुक्स गुड ऑन मी। दिस इज एक्सपेंसिव, मार्क्स एंड स्पेंसर काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे, तो मैंने खरीदा नहीं अल्टीमेटली ये, बट आई वॉजेंट इवन श्योर अगर ये ठीक लग रहा है या नहीं। आई ऑल्सो ट्राइड दिस शिफली ड्रेस जो 5000 की थी, बट थैंकफुली मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे अभी एक चीज़ डिलीवर हुई है जो बहुत अमेजिंग है। अगेन आई शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये मुझे लगा बहुत बर्थडे ड्रेस टाइप है, बट आई डिडंट बाय इट क्योंकि 5000 की तो यार नहीं लेनी थी मुझे ड्रेस। नेक्स्ट साउथ एक्स मार्केट में गो कलर्स है, मैं वहाँ पे गई जो कुर्ते मैंने खरीदे थे उससे मैचिंग चूड़ीदार लेने के लिए। 5 घंटे हो गए, हम लोग 12:30 निकले थे, अब हम 5:30 वापस आए हैं। आपने और मैंने मिलके बहुत सारी शॉपिंग कर ली, 5 घंटे हमने से शॉपिंग किया है, लेकिन लंच तक नहीं खाया है। अब घर आ पहुँच गई और आराम से कुछ खाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, मेरे साथ चलने को, और मेरे पास कोई भी नहीं था साथ में जाने के लिए। आई कांट वेट टिल शानवी इज ओल्डर, वो ऑलरेडी कह रही थी कि मुझे भी लेके चलो, बट अभी वो छोटी है, अभी मुझे संभालना पड़ता है और वो अभी 5 घंटे तो शॉपिंग नहीं कर पाती। तो होपफुली इन द फ्यूचर शानवी भी चलेगी हमारे साथ। आर्यवीर इज तो नॉट इंटरेस्टेड, वो तो इरिटेट हो जाता। मैं आर्यवीर से मिली भी नहीं हूँ स्कूल, जब से वो स्कूल से वापस आया है। तो चलो चलते हैं, बच्चों से मिलते हैं जाके, मैं जाती हूँ बच्चों से मिलने। आप जाओ थोड़ा रेस्ट करो, बहुत थक गए यार, 5 घंटे शॉपिंग कर लिए, कुछ जाओ खाओ पियो एंड मिलते हैं कल। बाय।